प्लीज हैव अ सीट प्लीज सर आपको क्या मैं पूछ सकता कहां छूना चाहते हो मुझे क्या हंस क्यों रहे हो इसलिए लोगों मतलब हाथ पे मुंह पे कहा? कहां कहां छूना चाहते हो पैर छूना चाहते हो अरे नहीं 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 मैंने इमेजिन किया था कि आप रेड शर्ट पहन के आओगे तो मैंने कहा थोड़ी ना सर रेड सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना? में है ना आपने सोचा इमेजिन किया कि सर आएंगे रेड शर्ट में और सर रेड शर्ट में आ गए और आपने कुछ इमेजिन किया था <laughs> जो सच हुआ तो साथ बोलूंगी। आपने यह भी इमेजिन किया था कि आप मेरे साथ में यहां पर आकर के बोलोगे अब इसको मैं झूठा प्रूफ करके ही रहूंगा प्रूव्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट वर्क क्योंकि हाँ पर नहीं बोलने वाले आज तो <laughs> सबसे पहले थैंक यू वेरी मच नई क्वेश्चन इज सर सच और झूठ ये जो लड़ाई हमारे दिमाग में चलती रहती है मैं ऑब्जर्व करता हूँ सर कि कभी कभी जब हम सच बोलते हैं ना तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है एंड uh, कभी कभी कोई हार्मलेस uh, झूठ uh, बोलने से प्रॉब्लम्स ईजिली सॉल्व हो जाती है और ये दिमाग के अंदर भी होता है और बाहर भी स्पेशली बाहर की दुनिया में ये ज्यादा है बिकॉज अगर मैंने झूठ बोला मेरे घर पे पेरेंट्स को कभी कभी उनको बोलना पड़ता है हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल वो आए कमरे पे नौक किया पूछा क्या कर रहे थे अंदर एग्जैक्ट तो exactly. पढ़ाई कर रहे थे हाँ <laughs> <laughs> पढ़ाई तो मैं नहीं करता सर वो उम्र अभी ट्वेंटी फाइव का हूँ तो पढ़ाई तो खत्म हो गई बट कोई भी चीज में रिलेशनशिप में एनी तो सर आ, हम झूठ बोल देते फिर दिमाग में चलते रहता है नहीं मैंने झूठ बोला मैंने कुछ गलत किया और हार्ट बीट्स बढ़ जाती है कुछ होने लगता है नर्वसनेस उनको तो पता चलने ही नहीं वाला है बट फिर भी वो होता है आप कर क्या रहे थे कमरे पे <laughs> मैं कुछ नहीं कर रहा था सर मैं जनरली जस्ट just... आप कुछ नहीं करते सो <laughs> uh, so, ये मेरा क्वेश्चन है सर ट्रूथ वर्सेज uh, ये know, जो ऑकवर्ड हंसी होती है ना आप लोग ये मुझे बहुत पसंद है जब समझ भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा नहीं भी आ रहा है तो ये मेरा क्वेश्चन है सर uh, हाँ. सही गलत झूठ इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कितने चाहते हैं का yes. Yes, इतना कुछ है मेरे पास बोलने के लिए जो मैं नहीं बोलता हूं क्योंकि अगर वो बोला तो कोई सुन नहीं पाएगा सच बहुत कड़वा होता है और कड़वा किसको अच्छा लगता है कड़वा इज लाइक एन अटैक जैसे कोई मिठाई की दुकान पे आप गए और मिठाई खाई और वो कड़वी है तो एक तरह का अटैक नहीं है ऐसे ही किसी को कुछ ऐसा बोल देना हो जिसकी वजह से उसको पेन हो दैट इज वर्बल अटैक कुछ लोग हैं जिनमें करेज होता है ऐसा कुछ करने का लेकिन उसके रेपोक्शन भी होते हैं और उनके साथ जो हुआ वो सिर्फ वही जानते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ बोला और उसको जेल हो गई तो जेल एक्चुअल में क्या होती है आपसे बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कुछ को ही पता होगा कितनों को पता है <laughs> एक ऐसा सवाल था मैं भी क्या पूछ लेता हूं तो शक्ल से ही क्रिमिनल्स लगते पूछने की क्या जरूरत है <laughs> तो सच की क्या इंपॉर्टेंस है सच बोलना इतना जरूरी नहीं है सच देखना और समझना जरूरी है नहीं तो आप खुद झूठ में जी रहे हो दैट इज बिगर प्रॉब्लम क्योंकि अगर आप सच जानते हो तो एटलीस्ट आप झूठ की तरफ नहीं हो सच की तरफ हो लेकिन बता नहीं रहे हो क्योंकि तो बताया तो गड़बड़ हो जाएगी मानो सौ में से एक आदमी है जो सच की तरफ है बाकी निन्यानवे है जो झूठ की तरफ है तो उनके झूठ को जैसे ही क्वेश्चन किया जाएगा वो निन्यानवे मिलकर उस एक को मार देंगे सूली पे लटका देंगे पास्ट में हुआ ही ऐसा अभी भी होता है तो उसमें क्या करना होता है खुद सच देखना होता है और इस दुनिया में टैक्टफुली समझदारी से स्किलफुली एक्ट करना होता है अगर कोई आपसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और उससे लड़ने लग गए तो आप बेवकूफ हो तो अब इसमें क्या होती है कि अगर आप झूठ में जीते हो तो झूठ का कोई अंत नहीं है झूठ का कोई एंड होता है क्या झूठ मतलब क्या एक कहानी एक नैरेटिव झूठ कुछ भी हो सकता है कि यहां पर एक शक्ति है जिसको मैं देख पा रहा हूं आप लोग नहीं देख पा रहे अब ये क्या सच है झूठ है

जो आपकी जिंदगी बदल सकती है जो भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा उससे आपको सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ करके बैठे रहना है अगर थोड़ी देर तक मैं ये करूं ड्रामा तो आप भी सारे शुरू हो जाओगे आप कहोगे यार ये बंदा कह रहा है गलत थोड़ी ना होगा इसके इतने करोड़ फॉलोअर्स हैं <laughs> ये यहां बैठा है हम वहां बैठे इसमें कुछ ना कुछ तो होगा ये हंसने वाली बात नहीं है सुबह से रात तक ऐसे ही जी रहे हो सच का तो कोई अतः पता है ही नहीं सच से कोसो मील दूर है हम अपने आइडियाज में जी रहे हैं कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं मेंटल कंस्ट्रक्ट बोलते हैं इसको अपने माइंड में एक दुनिया बनाई हुई है एक पास्ट है आपके माइंड में विच इज मेमरी और एक फ्यूचर है जिसको इमेजिनेशन बोलते हैं इसके अलावा जी कहां रहे हो कभी अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जियो प्रॉब्लम यह है कि इसका कोई एंड नहीं है फिर आप यहां पर आकर के क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये जो हमारा माइंड है वो बहुत ही रेस्टलेस है ओवर थिंकिंग चलती रहती है ऐसे ऐसी उठती रहती है ऐसे ऐसे इमोशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है मेरे पास में सब कुछ है यानी एक टाइम पर सोचता था कि एक अच्छी सी जॉब हो जाएगी तो मजा आ जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा आज सब कुछ है लेकिन इस माइंड ने धज्जियां उड़ाई हुई है लाइफ की ऐसा होता है नहीं होता है माइंड में जाकर के एंटेंगल्ड हो जाते हो ना क्यों कभी पूछा है अपने आप से क्योंकि ना तो इमेजिनेशन का कोई एंड है कहां तक इमेजिन कर सकते हो कुछ भी इमेजिन करते रहो और इमेजिन करके डरते रहो उसका क्या एंड है कैसे बचोगे उससे सोचा है कभी देखो दो ऑप्शंस है ध्यान से समझना एक है कि आप बिल्कुल ही बेवकूफ हो तो बोलते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस जैसे जानवरों के लिए खुद के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने एक जानवर को पाला है तो जिसने पाला है उसके लिए प्रॉब्लम है जानवर तो इनोसेंट है उसको तो अपना पेट भरने से मतलब है जब तक खाना मिल रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है रहे चले जाएगा बहुत लोग ऐसे ही होते हैं सोचने समझने की शक्ति नहीं है क्योंकि सारी प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब सोचने की शक्ति तो है लेकिन सही सोचना नहीं आता है अगर आपकी थिंकिंग झूठ पर बेस्ड है तो आपको कंट्रोल करना बहुत आसान है कोई भी आकर के आपको कुछ भी बोल देगा और आप उसके बहकावे में आ जाओगे और आप उसके वश में हो जाओगे जब भी आपका टाइम खराब होगा तब और टाइम कब खराब होता है हमेशा ही खराब होता है टाइम अच्छा कब होता है आप में से कौन है जिसकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम चल रहा है हाथ ऊपर करना जरा ज्यादा टाइम तक तो रहने वाला नहीं है सब कुछ अनित्य है यानी सब कुछ टेम्पररी है अच्छे के बाद बुरा आता है बुरे के बाद अच्छा आता है बट जो हमारी अंडरलाइंग स्टेट है वो बुरी ही होती है क्योंकि जो मिल जाता है वहां पे ध्यान नहीं जाता है जितनी सैलरी मिल जाती है वहां पे ध्यान जाता है या जो नहीं मिली है उस पर ध्यान जाता है या जो साथ वाले को ज्यादा मिल गई है वहां ध्यान जाता है जो अभी हेल्थ परफेक्ट है वहां ध्यान जाता है मतलब हाथ पैर आंखें कान नाक सब कुछ सलामत है वहां ध्यान जाता है या हल्का सा दांत में कहीं पे दर्द हो रहा है वहां ध्यान जाता है समझ गए क्या होता है दिस इज लाइफ तो अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं प्रॉब्लम्स दो तरह की है एक है फिजिकल एक है साइकोलॉजिकल फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए क्या चाहिए पैसा चाहिए कैसे चाहिए वो आप अपनी कैपेबिलिटी देखो अपना फैमिली बैकग्राउंड देखो अपनी सिचुएशन देखो खुद सोल्यूशन निकालो उसमें मैं या मेरे जैसा कोई भी कुछ नहीं कर सकता और जो आकर के आपको कह रहा है कि मैं आपकी लाइफ बदल दूंगा तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है इस बात को समझ जाओ जितनी जल्दी समझ सकते हो उतनी जल्दी क्योंकि कोई भी आपको पैसा कमा करके नहीं देगा आपकी बड़ी गाड़ी आए ना आए उसकी बड़ी गाड़ी पक्की है अगर आप उसकी बातों में आ गए तो।, तो ये दुनिया बहुत ही कनिंग है बहुत सेल्फिश है पूरी तरह से अंदर से करप्ट है करप्शन आप लोगों की हमारी सबकी नस नस में दौड़ रहा है यहां पर कितने जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं चलो मान लेते हैं कि अभी आप तैयारी कर रहे हो और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है वहां पर कुछ बहुत गलत होते हुए देखते हो जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं आकर के अपने घर में बात करते हो अपने पेरेंट्स से कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या मैं आवाज उठाऊं क्या मैं कुछ बोलूं किसी को कंप्लेंट करूं क्या मैं उनसे लड़ू तो आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे इग्नोर कर दो क्या फर्क पड़ता है अपने काम से काम रखो तो क्या आपके पेरेंट्स कर नहीं है तो वो जो आपके सबसे क्लोज है इस दुनिया में वो जिन पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो अगर वो ही करप्ट है तो बाकी दुनिया का तो छोड़ ही दो बाकी दुनिया तो बेच के खा जाएगी आपको तो इस दुनिया में यू नीड टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल एज फिट एज पॉसिबल क्यों इसलिए नहीं कि सामने वालों को डोमिनेट करना है या अपनी उस पावर को अपनी उस पोजिशन को यूज करना है सामने वालों को दबाने के लिए उनको डराने के लिए उनका टॉर्चर करने के लिए इसलिए नहीं इसलिए कि ये दुनिया आपका टॉर्चर ना कर सके ये दुनिया आपको ना दबा सके ये दुनिया आपका नाजायज फायदा ना उठा सके इसलिए यू नीड टू बी एज फिट एज यू कैन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स अभी जैसे आपने बोला था लॉ ऑफ सर्वाइवल फिटेस्ट वाला लाइन तो सर जब भी ये लाइन दिमाग में आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे फिर सही गलत का सारा डिफिनेशन खत्म हो गया क्योंकि अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो वहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ गलत हो रहा है लेकिन ये हमको पता है जो गलत कर रहा है वो इस टाइम पे पावरफुल आदमी है ठीक है तो सर फिर जब हमको ऐसा लगने लगता है कि यही है अभी तो ये पावरफुल है ऑफ सर्वाइवल इसके लिए काम कर रहा है क्योंकि वो उसने खुद को पावरफुल बनाया है कोई उसको तो टॉर्चर नहीं कर सकता तो ऐसा लगता है कि सर फिर हम भी यही सब करें जो ये कर रहा है हम यहां पे पहुंचे तो हमारे लिए भी लॉ ऑफ सर्वाइवल काम करेगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब क्या क्या आप इतने कैपेबल हो कि आप कुछ भी करके कहीं से भी कितना भी पैसा कमा सकते हो तब आप एक्चुअल में कैपेबल हो अगर किसी पर डिपेंड हो तो आप कैपेबल कहा हो तब तो आप कठपुतली हो कड़वा है लेकिन सच है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बिल्कुल लेम लैंग्वेज में बोला जाए महाभारत देखी है आप सबने कितनों ने देखी हाथ ऊपर करो सबने देखी है उसमें दो वर्ड्स के बारे में आपने सुना होगा धर्म और अधर्म एंड में जीत हमेशा सच की होती है सच की होती है धर्म की होती है ऐसा क्यों अगर आप एक सही रास्ते पे चलोगे लाइफ में तो आपका माइंड इस लायक होगा कि आप लाइफ की जो हायर पॉसिबिलिटीज हैं जो हायर लेवल की नॉलेज है उसको समझ पाओगे अगर गलत होगे या गलत लोगों के साथ में जुड़े हुए होगे तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही हो जाओगे तो अगर कोई सही बात भी करेगा तो आपको समझ ही नहीं आएगी तो अगर आप अधर्म के साथ रहे तो कीड़े मकोड़ों की तरह जियोगे और कीड़े मकोड़ों की तरह मरोगे आप चाहे जियो चाहे मरो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है अब अगर आप धर्म की तरफ हो तो क्या होता है अब ये सुनने में थोड़ा मॉडर्न नहीं लग रहा होगा आपको ये वर्ड्स ठीक लग रहे हैं समझ आ रहा है देखना पहले मैं इसके भी डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं जब मैं धर्म और अधर्म ये जो वर्ड्स यूज कर रहा हूं तो मेरा मतलब क्या है धर्म आज की डेट में लोग बोलते हैं रिलीजन अरे रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं धर्म का मतलब होता था आज से हजारों साल पहले लॉज ऑफ द यूनिवर्स उसके हिसाब से चलोगे तो आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हो लॉज को वायलेट करोगे तो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हो सबसे बड़ा लॉ क्या है इस यूनिवर्स का औरों के साथ में वैसे ही एक्ट करो जैसे आप चाहते हैं कि वो आपके साथ में एक्ट करें ये धर्म का एसेंस है कि अगर आप चाहते हो कि आपसे कोई तमीज से बात करे तो आपको औरों से तमीज से बात करनी है आपको दुनिया के साथ में वैसे ही एक्ट करना है जैसे आप चाहते हो कि दुनिया आपके साथ में एक्ट करे अगर आप उस सिचुएशन में हो तो यह धर्म है जो आदमी सही रास्ते पर चल रहा होता है उसके अंदर डर नहीं होता है उसकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है वो सेंसिबल होता है वो ये समझ सकता है कि सही क्या है गलत क्या है इसके बीच में वो फर्क देख सकता है इस फर्क को देखने को इंटेलिजेंस कहते हैं यानी वो इंटेलिजेंट होता है वो वाइज होता है तो जो इंसान इंटेलिजेंट है वाइज है वो जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं है उपनिषद है उनको समझ सकता है कहते हैं ना एंड में जीत हमेशा धर्म की होती है सच की होती है तो जीत क्या है और हार क्या है जिंदगी के मकसद से कौन जीता कौन हारा करोड़ों अरबों लोग आए आपके जैसे इस दुनिया में आए और चले गए किसी को कोई फर्क पड़ा तो उसमें से कौन जीता कौन हारा सोचो कभी दिमाग लगाओ इस तरीके से मेरे प्यारे खचरो सोचते क्यों नहीं हो बिजी हो क्या अपने चिंदी कामों में थोड़ा तो वक्त निकालो ना अच्छी चीजें सोचने के लिए कौन जीता इस जिंदगी में और कौन हार गया जिंदगी का जो हाइएस्ट पॉसिबिलिटी ह्यूमन होने का जो एक्चुअल में मतलब है जिसने उस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर लिया और जिसने उसको अचीव कर लिया वो जीत गया बाकी सब हार गए तो करोड़ों अरबों खरबों लोग हार गए और कुछ लोग जीत गए कौन है वो कुछ लोग जो धर्म के रास्ते पे चले अगर आप एक पक्षी हो तो आपकी लाइफ का पर्पज क्या है उड़ना, उड़ना अगर वो पक्षी उड़ ही ना पाए पूरी जिंदगी जमीन पे ही जिया जमीन पे ही मरा तो क्या कहेंगे वो जीता या हारा हार गया ऐसे ही इंसान की जिंदगी की हाइएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है जो जानवर नहीं कर सकता ऐसा क्या है जो इंसान कर सकता है इंसान खुद को जान सकता है जानवर खुद को नहीं जान सकता क्योंकि जानवर क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो और आपके अंदर वो इंटेलिजेंस है कि इस क्वेश्चन के एंड तक आप जा सकते हो ये है जीत बाकी सब है हार और जिंदगी में जीतने के लिए आपको धर्म के रास्ते पे चलना होगा धर्म के रास्ते पे वो नहीं चल रहा है जो आलसी है धर्म के रास्ते पे वो चल रहा है जो मेहनत करता है हार्ड वर्क करता है स्मार्ट वर्क करता है कुछ भी करके लाइफ में आगे बढ़ रहा है अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है ना वो दुनिया का भला कर रहा है ना वो दुनिया का बुरा कर रहा है ध्यान से सुनना मेरी इस बात को जैसे दुनिया का बुरा करना अपने आप में एक कीड़ा है ऐसे ही दुनिया का भला करना भी अपने आप में एक कीड़ा है ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं अपना भला कर लो एक्चुअल में जो भला है यानी जान लो कि आप क्या हो उसके बाद इस दुनिया को जो आपसे चाहिए होगा ना वो दुनिया ले लेगी ऐसा कोई ना कोई इंसान आ जाएगा जो आकर के ऐसा उल्टा पुलटा एक क्वेश्चन पूछ लेगा और कुछ बोलना पड़ेगा नहीं तो क्वेश्चंस वही होंगे जो हमेशा होते हैं और फिर आप क्या कहोगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के जवाब तो आपने दे दिए हैं सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं अरे असली क्वेश्चन पूछा भी है कभी अगर सही क्वेश्चन पूछोगे तभी सही जवाब मिलने की पॉसिबिलिटी है अगर इस क्वेश्चन को आप अपने आप अपने से पूछते हुए माए और इसके जवाब तक पहुंचने भी लग जाते हो तो आप देखोगे आपकी थिंकिंग में एक रेडिकल चेंज आएगा झूठ धीरे धीरे हटता चला जाएगा लाइफ में से और जो सच है वो आपके सामने होगा सच जैसा है जो है वो आपके सामने होगा और सच चिंदी बातों का नहीं कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए मुझे वो चाहिए नहीं कि लाइफ क्या है डेथ क्या है भगवान क्या है ये यूनिवर्स क्या है डिजायर क्या है थॉट क्या है फीलिंग्स क्या है इमोशंस क्या है जो भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है वो सब इसमें कवर हो जाते हैं एक क्वेश्चन में दैट इज माई और अगर इसको आप पूछ ही लेते हैं तो आपके जीतने की शुरुआत हो गई यही कह लो कि अगर आपने सिंसियरली इस क्वेश्चन को अपने आप से पूछ लिया है और इसका आंसर ढूंढ रहे हो तो आप जीत गए आगे आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा उसको छोड़ दो आंसर क्या मिलेगा और कौन बताएगा आपको कि जो आपको आंसर मिला वो सही है गलत है एक ढंग का क्वेश्चन तो पूछा एक साइंटिस्ट वो नहीं होता है जो आंसर देता है आंसर तो लेक्चरार देता है साइंटिस्ट वो होता है जो क्वेश्चन पूछता है तो आप एक साइंटिस्ट हो किसके साइंटिस्ट हो लाइफ के साइंटिस्ट हो अंदर की दुनिया के साइंटिस्ट हो और अगर वो हो तो इंसान होने का जो हाइस्ट गोल है वो आपने अचीव कर लिया है साइंटिस्ट दो तरीके के होते ना एक बाहर की दुनिया के और अंदर की दुनिया के बाहर तो की दुनिया में साइंटिस्ट बनते हो तो अवार्ड मिलेंगे पैसा मिलेगा अंदर की दुनिया में आपको समझ आता है कि मैं वो नहीं हूं जो मैं खुद को समझ रहा था मैं कोई चिंदी आदमी नहीं हूं इस इतने बड़े यूनिवर्स में ये पूरा यूनिवर्स मुझ में है ये बातें बोलने में भी मुझे अजीब लगता है क्योंकि मुझे पता है सब ऊपर से जाएगी Wish you all the best. Pleasure meeting you all. Thank you so much.